कौशल्य के भगवान कृष्ण या श्रीनाथ जी का ये जटिल चित्र वाकई में शानदार है। बाल कृष्ण के जीवन को जीवंत करने वाली चटक रंगों से भरपूर इस कलाकृतियों को पिछवाई कला के नाम से जाना जाता है। पिछवाई कला का राजस्थान के नाथद्वारा शहर से गहरा नाता है। नाथद्वारा आखिर श्रीनाथ जी का निवास स्थल जो ठहरा, यहाँ भगवान कृष्ण को श्रीनाथ जी कहा जाता है। माना जाता है कि उदयपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर नाथद्वारा वो जगह है जहाँ करीब 500 साल पहले पिछवाई चित्रकला की शुरुआत हुई थी। आज भी अगर मंदिरों की नगरी की गलियों में घूमे तो आप निश्चय रूप से भक्ति के समुद्र में डूब जाएंगे। यहाँ आपको कृष्ण के उस रूप के चित्र लगभग हर जगह देखने को मिलेंगे जब उनकी उम्र 7 साल की थी। उन्हें श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है। ये चित्र दीवारों पर, स्मृति चिन्हों में और भी कई जगहों पर नजर आएंगे, लेकिन उनको सबसे अधिक समर्पित ये पिछवाई चित्रकारी ही है। पिछवाई कलाकृति की शुरुआत में पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगाई जाती थी। इसे आप यहाँ नाथ द्वारा में देख सकते हैं। दरअसल पिछवाई संस्कृत के शब्द पिच और वाई से मिलाकर बना है। पिच का अर्थ है पीछे और वाई का अर्थ है लटका हुआ। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। कला के इस भक्ति रूप के बारे में जानने के लिए हमने राजस्थान के भीलवाड़ा में पुरस्कार विजेता पिछवाई चित्रकार सुशील सोनी से बात की। उन्होंने हमें पिछवाई चित्रकारी के बारे में कुछ इस तरह बताया। नमस्कार, मैं सुशील कुमार सोनी, मैं भीलवाड़ा से हूँ और मैं पिछवाई पेंटिंग्स का काम करता हूँ। पिछवाई पेंटिंग में कपड़े के ऊपर श्रीनाथ जी को, कृष्ण भगवान को मुख्य किरदार मान करके और उनके जो जो भी खास सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, जैसे होली, निकुंज लीला, जल विहार, ये चीज़ें सभी बनती है श्रीनाथ जी को, कृष्ण भगवान को मुख्य किरदार मान करके। कि श्रीनाथ जी के पीछे जो पेंटिंग्स डे टू डे पूजा के लिए जो लगती है उनके साथ में, उसको पिछवाई पेंटिंग्स कहते हैं, जिसमें श्री कृष्ण से रिलेटेड या श्रीनाथ जी से रिलेटेड, श्री राम से रिलेटेड, विष्णु अवतार जो भी हैं उनसे संबंधित सब्जेक्ट्स बनते हैं और उनमें निकुंज भी बनते हैं। जैसे मथुरा वृंदावन के जो निकुंज हैं वो निकुंज बनते हैं, जमुना नदी भी बनती है। बहुत बार गर्मियों में जमुना जी का भाव रहता है जब पानी की पिछवाइयाँ भी लगती हैं। पिछवाई का मतलब सीधा यह है कि प्रभु के प्रति जो आपकी भावनाएँ हैं या प्रभु के साथ आप जो पल जी रहे हैं वो पिछवाई में दर्शाया जाता है। नाथ द्वारा पहले इस संप्रदाय का और बाद में पिछवाई चित्रकला का केंद्र बन गया। इसे लेकर एक कहानी भी है। इसकी शुरुआत 17वीं सदी से होती है। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में श्रीनाथ जी की मूर्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए उसे उदयपुर लाया गया था। उदयपुर के महाराणा राज सिंह ने पुष्टि मार्ग संप्रदाय से उस समय के प्रमुख को यहां आमंत्रित किया था ताकि श्रीनाथ जी की प्रतिमा सुरक्षित रहे। उदयपुर के पास इस जगह पर उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया और तब से ये जगह श्रीनाथ जी के सम्मान में नाथ द्वारा कहलाई। दिल्ली में रहने वाली ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में व्यस्त पुनरुत्थानवादी पूजा सिंघल पिछवाई कारीगरों के साथ मिलकर काम करती रही हैं और अपने काम के जरिए इस कला के लिए सरपरस्तों का एक नया समूह बनाने में जुटी रही हैं। वो उदयपुर में पली बड़ी हैं, जिसके कारण उनका इस कला से गहरा संबंध रहा है। उन्होंने हमें पिछवाई कला की शुरुआत के बारे में बताया। ये जो श्रीनाथ जी हैं, ये कृष्ण का एक 6 साल का बचपन का स्वरूप है और ये गोवर्धन पर्वत में इनकी ये मूर्ति मिली थी। तो उस समय औरंगजेब का रूल होता था इंडिया में, तो उनसे छुपा चुका है कई जगह इस मूर्ति ने ठहराव पाया, पर वहां से फिर कुछ ना कुछ हुआ और वो मूर्ति चली। फाइनली वो मूर्ति जाके नाथद्वारा के गांव में बस गई
और उस इस मूर्ति को एक हवेली में रखा गया। तो ये मानता भी है कि ये शिना जी की हवेली है, इसको मंदिर इतना नहीं बोलते जितना हवेली बोलते हैं। तो ये वल्लभाचार्य ने इनकी सेवा चालू की और अब पुश्तियों से वो ही चला आ रहा है। तो इस हवेली में ऐसा जैसे शिना जी को उठाया जाता है, उनको नहलाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, फिर वो ग्वाल बाल के साथ खेलने जाते हैं। तो कृष्ण भगवान की दिनचर्या चलती है, तो दिन में 8 बार ही दर्शन होते हैं, कुछ मिनटों के लिए खुलते हैं और फिर वो बंद हो जाते हैं। हर दर्शन में शिना जी का उस समय और भाव के हिसाब से श्रृंगार होता है। पिछवाई कैसे हुई कि शिना जी को जहाँ पे रखा गया हवेली में, उनके पीछे पिछवाई माने मूर्ति के पीछे, तो उसके लिए पेंटिंग्स बनने लगी। पहले 4 या 5 आर्टिस्ट थे जिनको अंदर जाने की परमिशन मिली। तो वो क्या था, अपने साथ छोटी स्केच बुक ले जाते थे और वो जो भी श्रृंगार होता था उस समय फटफट उसको एक स्केच बना लेते थे और फिर अपने माइंड में उनके रहता था, फिर आके वो उसकी पेंटिंग बनाते थे। जो पिछवाई का जो आर्ट फॉर्म निकला है, जो ये कला है, जितनी पिछवाई बनी वो या तो शिना जी के श्रृंगार की है और फिर दूसरी पिछवाई जो है वो दिनचर्या के हिसाब से, कभी जो जो गोपाष्टमी है जब कृष्ण भगवान गायों से खेलने जाते हैं या गोपियां हैं, उन कहानियों के पीछे पिछवाई बनने लगी। आज भी माना जाता है कि श्रीनाथ जी नाथद्वारा में अपनी इस हवेली में वास करते हैं। पिछवाई पेंटिंग के कलाकारों के लिए भी नाथद्वारा एक पवित्र शहर है। हालांकि सुशील आज भीलवाड़ा में रहते हैं, लेकिन पवित्र स्थान नाथद्वारा उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचता रहता था, इसलिए उन्होंने नाथद्वारा में ट्रेनिंग लेकर अपनी पिछवाई कला यात्रा शुरू की। पिछवाई पेंटिंग्स देखो, मैंने पहले नाथद्वारा के मंदिर में देखा और जैसे श्रीनाथ जी को मैं मानता हूँ, तो सबसे पहले मैंने श्रीनाथ जी बनाना सीखा। श्रीनाथ जी वगैरह मैं बनाता था, गाय वगैरह बनाता था पहले, फिर मुझे धीरे धीरे थोड़ा पता चला कि हाँ इसमें ये है। फिर मैं वहाँ ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं करी नाथद्वारा में, श्रीनाथद्वारा में। तो वहीं पर मैंने देखा कि पुष्टि मार्गीय में पिछवाई का बहुत बड़ा महत्व है। दर्शन भी मैंने किए हैं जो पिछवाई पेंटिंग भगवान के साथ में लगती है उसके, तो उससे मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हुआ। हर पिछवाई चित्र के केंद्र में श्रीनाथ जी की छवि के साथ साथ उनसे जुड़े कई रूपांकन होते हैं। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं और उन्हें हमेशा एक युवा बालक के रूप में चित्रित किया जाता है। आपने हमेशा श्रीनाथ जी को अपनी उंगली ऊपर किए हुए देखा होगा। ये उस समय को दर्शाता है जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। वास्तव में भगवत गीता की ये लोकप्रिय कथा है कि कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने मवेशियों और गांवों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यही पिछवाई का केंद्रीय विषय है। पिछवाई चित्रकला एक चरवाहे के रूप में कृष्ण के जीवन की अन्य कहानियों और दृश्यों से भरी हुई है। उन्हें गायों और मोर से घिरा हुआ देखा जा सकता है, जो हरे भरे पेड़ों के नीचे खड़े हैं, या फिर रास के दृश्यों में और गोपियों के साथ उत्सव मनाते देखा जा सकता है, जैसे कि इस पेंटिंग में है। पेंटिंग में हर रूपांकन का अपना अर्थ और उसकी खास जगह होती है, फिर चाहे वो कमल हो या पेड़। और पिछवाई पेंटिंग का यही विवरण और जीवंतता इसे बेमिसाल बनाती है। पिछवाई पेंटिंग में आप देखेंगे तो ज्यादातर सबसे नीचे कमल के फूल पत्ते और पानी जो रहता है उसमें श्री यमुना जी का भाव रहता है, तो वो यमुना नदी का रूप बनाया हुआ है उसमें, और नीचे घाट भी बना हुआ होता है काफ़ी पेंटिंग्स में, और बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह दिखाए रहते हैं, केले के पेड़, आम के पेड़, ये सब पूरा निकुंज का सीन रहता है कि भगवान निकुंज में हैं, यमुना जी के किनारे हैं, कदम्ब के पेड़ वगैरह ये बनते हैं इसमें। सबसे ज़्यादा आपको इसमें कॉन्सेप्ट विषय जो मिलेंगे पिछवाई पेंटिंग के अंदर, वो श्रीनाथ जी के इर्द गिर्द ही मिलेंगे, या फिर श्री कृष्ण से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इसमें। और श्रीनाथ जी जो इसमें बनते हैं सबसे ज़्यादा, इसमें एक हाथ ऊपर रहता है, तो इसमें ये एक हाथ ऊपर का ये भाव है कि श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, इंद्र ने बहुत ज़्यादा वर्षा करी थी,
तो श्री कृष्ण जी ने जब पूरे गांव वालों को सबको बचाने के लिए वर्षा से गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो वो वाला भाव है भगवान का। पिछली पेंटिंग्स के अंदर आपको जो मोटिव्स इसके नज़र आएंगे वो सबसे ज़्यादा खास है, जैसे कमल के फूल पत्ते और पानी, थोड़ा सा आपको ग्रे कलर की टाइप की टोन का पानी नज़र आएगा, वो जमुना जी वाला भाव है सारा। जमुना जी के अंदर कमल के फूल पत्ते खिले हुए हैं। और कृष्ण की पेंटिंग्स में गाय तो आपको मिलेगी मिलेगी, और दूसरा है मोर पंख, या मोर मिलेगा आपको ज़रूर, और मोर नहीं मिला तो मोर पंख आपको ज़रूर मिलेगा श्री कृष्ण की पेंटिंग्स में, पिछवाई में। एक पिछवाई चित्रकला कई चरणों में बनकर तैयार होती है और पूरी प्रक्रिया में बहुत सावधानी बरती जाती है। इसे बनाने के लिए धैर्य और कुशलता की जरूरत होती है। इसकी शुरुआत कैनवस के कपड़े पर बेस बनाने से शुरू होती है। एक पिछवाई पेंटिंग बनाने में कई दिन और महीनों लग सकते हैं। दरअसल ये निर्भर करता है कि पेंटिंग का साइज कितना बड़ा है और उसकी डिजाइन क्या है। इन चित्रों में उपयोग किए गए रंग भी कुदरती होते हैं, जो पत्थरों से बनाए जाते हैं। खूबसूरत पिछवाई चित्रकला में जो चमक दिखाई देती है वो दरअसल असली सोने की पत्ती यानी गोल्ड लीफ और स्याही के इस्तेमाल से आती है। कि सबसे पहले स्टार्च बनाते हैं, आरा रोट या मैदे का स्टार्च बनाते हैं पानी के साथ में, और फिर उससे 100% कॉटन जो कपड़ा होता है उसको चिपकाते हैं, और फिर चिपकाने के बाद में उसको गोटाई होती है कपड़े की अच्छे से, जिससे उसमें चिकनाई आ जाती है कपड़े में, कलर वगैरह सब अच्छे से चले, पेंसिल अच्छे से चले इसके लिए। फिर उसके बाद में उसमें पेंसिल से ड्रॉ किया जाता है, जो भी सब्जेक्ट अपन बना रहे हों वो ड्रॉ किया जाता है कपड़े के ऊपर। और फिर उसके बाद में सबसे पहले बैकग्राउंड की कलर फिलिंग होती है, फिर उसके बाद में वो गोटाई होती है, फिर बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाता है। जैसे ग्रीनरी होती है तो घास वगैरह बन जाती है उसमें, और पानी होता है तो कमल के फूल पत्ते भी होते हैं उसमें, तो उनकी आउटर वगैरह लगती है, और पानी में पानी की एक एक लहर बनती है, एक एक लाइन बनानी बनाते हैं उसके अंदर, और पूरा उसमें डिटेल से काम होता है। फिर फूल पत्ते बनेंगे उसके अंदर, और फिर उसके अंदर गोल्ड, जो रियल गोल्ड और सिल्वर जो होता है उसका भी काम होता है, तो रियल गोल्ड के कमल के पत्तों पे ऊपर की तरफ लाइनिंग देते हैं, जिससे वो और सुंदर लगे और आकर्षक लुक आए उनका। उसके बाद धरती कंप्लीट होती है, उसके बाद पेड़ वगैरह ये चीज़ें कंप्लीट होती है, उसके बाद फिर भवन वगैरह कंप्लीट होते हैं पूरे, और फिर उसके बाद में जो कैरेक्टर्स बने हुए हैं लोग, उनके कपड़े वगैरह कंप्लीट होते हैं, फिर उसके बाद में उनकी बॉडी बनती है लास्ट में, और बॉडी बन जाती है तब उसके बाद में उनके जो गोपियां हैं उनके साड़ी ट्रांसपेरेंट बनती है, वो सबसे लास्ट में बनती है, और ज्वेलरी भी सबसे लास्ट में बनती है। श्रीनाथ जी की आँखों के जो आप काला गोला जो होता है वो सबसे लास्ट में बनाया जाता है। पिछवाई पेंटिंग्स के अंदर यूज़ होने वाले कलर्स जो भी आप देखते हैं पुरानी पेंटिंग्स में जो यूज हो रहे हैं, वो पूरे पूरे नेचुरल स्टोन कलर यूज़ किए हुए हैं, जो पत्थरों को मतलब बारीक करके फिर बनाए हुए हैं, जिसमें गोंद मिक्स किया हुआ है, खाने वाला गोंद, और कुछ वो कलर्स पाउडर फॉर्म में भी हैं, जिनको भी इसी तरीके से पेस्ट बना करके फिर पानी मिला करके और फिर काम में लिया गया है, जिसमें गुटाई बहुत की जाती है कलर्स की, और तभी उनका निखार आता है। पिछवाई पेंटिंग के अंदर गोल्ड, रियल गोल्ड और सिल्वर भी यूज होता है, जिसमें रियल गोल्ड लीफ यूज़ किया जाता है, मोटा मोटा काम होता है वहाँ पर, और जहाँ बारीकी वाला काम हो गोल्ड का वहाँ पर उसका इंक बना करके भी यूज़ में लिया जाता है, रियल गोल्ड का और सिल्वर का, जिससे पेंटिंग्स में और निखार आता है, उसकी खूबसूरती बढ़ती है। इतने सालों में पिछवाई की कला में कई बदलाव आए। बदलते समय के साथ एक दौर ऐसा आया जब पिछवाई, उसका संरक्षण और उसको समझने वाले लोगों की संख्या ढल रही थी। ये एक ऐसा समय था जब ये कला अपना अस्तित्व और अर्थ खोती जा रही थी। इसके कलाकार भी कम होते जा रहे थे और लोग इसे भूल रहे थे।
तो पिछले 400 सालों से पिछवाई चली आ रही है, उसमें काफी बदलाव हुआ है, कपड़ा बदल गया, कला बदल गई, रंग बदल गए। हम जब नाथद्वारा जाते थे पहले बचपन में तो बड़ी सुंदर पिछवाई दिखती थी, उनके रंग, उनका स्वरूप, सब चीज अलग था। तो जब मैंने ये काम चालू किया, जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया ये था कि जब मैं नाथद्वारा के टेम्पल में गई तो एक भी शायद दुकान में मुझे कपड़े की अच्छी पिछवाई देखने को नहीं मिली। वहां पे MDF का काम हो रहा था, तो MDF के पिछवाई बनते थे, उसके ऊपर वो टिमटिम वाली लाइट्स या वो स्वरोवस्की, और मैं हैरान थी कि इस कला को हुआ क्या। पिछवाई का एक और मायने निकलने लगा, एक तो मूर्ति के पीछे पिछवाई टांगी जाती थी, दूसरा कई बारी जो भक्त आते थे वो दर्शन करके बाहर आते थे और कुछ आर्टिस्ट बाहर होते थे जो एक छोटी सी पिछवाई उनको दे देते थे, तो वो एक तरीके से उनके लिए मूर्ति बन जाती थी उनके लिए घर ले जाने के लिए। अब जो भक्त आने लगे उनका बजट था 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया। तो जैसे जैसे पेट्रनेज खत्म हुई वैसे वैसे मार्केट बदल गया। पुराने जमाने में हवेलियों में पिछवाई टंगती थी तो हवेलियां बड़ी थी, फिर धीरे धीरे आजकल के टाइम में लोग छोटे फ्लैट में रहते हैं, सबके बड़े बंगले नहीं होते, और स्पेशली जो गुजरात से बहुत भक्त आते थे उनकी वजह से एक मार्केट में जैसे बदलाव चालू हो गया। मेरी मदर कई लोगों के साथ काम करती थी, तो जब हम दिल्ली रहने लगे तो उनका काफी उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया, तो हमारे दिल्ली के घर कोई कुछ आर्टिस्ट हमसे मिलने आए जो कि मेरी मदर से एसोसिएटेड थे। तब मैंने उनसे बात करना चालू किया और समझने की चाह की कि क्या हुआ है, इस जो चित्रकारों की स्थिति है, कितने हैं, किस प्रकार के हैं, पहले कितने होते थे, जो इनकी पहले कम्युनिटी होती थी, एक एक आर्टिस्ट 10 15 20 साल अपने गुरु के नीचे शिष्य बन के ट्रेन करते थे। तो और ये ना एक परिवार का संप्रदाय था कि एक फादर करेंगे तो बेटे करेंगे, फिर उनके बेटे सीखेंगे उनसे। पर अब क्या होने लगा था कि क्योंकि इसमें पैसा नहीं रहा तो जो यंगर जनरेशन थी उनको ये काम नहीं करना था, तो कई आर्टिस्ट के बच्चे पेंटिंग वर्क में लग गए या किसी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को ज्वाइन कर लिया, इसीलिए भी ये कला काफी खत्म थी। कुछ लोगों के प्रयासों के वजह से पिछवाई कला का पुनरुद्धार हुआ, उनमें से एक है पूजा सिंघल। बचपन से पिछवाई कला को देखती और समझती आ रही पूजा ने पिछवाई कला को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने कई कलाकारों के साथ मिलकर पिछवाई के लिए एक कारखाना तैयार किया है और उनकी दिल्ली में एक पिछवाई कला की गैलरी भी है। उन्होंने पिछवाई कला को न सिर्फ एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, बल्कि इस कला को एक नया व्यापारिक मोड़ दिया और इसके संरक्षकों और प्रशंसकों का एक समूह भी बनाया। उस समय तो मेरा ये 2009 की बात होगी, मैंने कहा मैंने काफी बुक्स को रेफरेंस किया है और जो पिछवाई के कॉम्पोजिशन पहले बनते थे अब तो बन ही नहीं रहे। मैं तो 2 या 3 कॉम्पोजिशन देखती हूँ जो पुराने अलग अलग इतने क्रिएटिव जो आर्टिस्ट पहले छवि बनाते थे वो मेरे को कहीं देखने को नहीं मिली। तो मैंने कहा हम पहले से ऐसा काम चालू करते हैं कि ना मैं आर्टिस्ट हूँ ना वो पुराने आर्टिस्ट अभी यहाँ हैं, तो ये जो पुराने कॉम्पोजिशन हैं इनको लेके एटलीस्ट उन ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढा जाए जिनके हाथ में वो कला बाकी है, फिर हम उनको काम दें, हम उनको पैसे दें जिससे उनको लगे कि हाँ इस काम करने में कुछ फायदा है। तो मैंने कहा आप मेरे लिए 20 पीस बनाएंगे और मैंने 20 पीस कमीशन करवाए, उस वहां से ये जर्नी चालू हुई। तो फिर मैं इन लोगों के साथ आर्टिस्ट के साथ बैठ के करेक्ट करती कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये काम फाइन नहीं है। धीरे धीरे मैंने अपना एक एटेलियर सेटअप किया, तो पहले जो पिछवाई का काम होता था वो एक आर्टिस्ट बनाता था, उसके नीचे उसमें शिष्य होते थे। उस आर्ट फिर भी पिछवाई में घासीराम जी के बाद कोई साइन नहीं करता था अपने नाम में, तो एक आर्टिस्ट काम करता था और उनके वहां से पिछवाई निकलती थी। जब मैंने काम चालू किया मुझे ये संभव नहीं लगा क्योंकि मैंने ये देखा कि कोई कलर बनाने वाला अच्छा था, किसी के हाथ में आंखें सही बनती थी। तो हमारे यहाँ क्या होने लगा, मैंने कहा हम इसको बदलाव लाएंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे कि पिछवाई अच्छी बननी चाहिए। एक तो ट्रेडिशन है वो अलग बात है, पर हम ट्रेडिशन से आगे जाएंगे, जो सबसे बढ़िया जो करता है हम उससे वो कराएंगे और एंड में जो पिछवाई है वो उस क्वालिटी की बननी चाहिए जो हमने पहले बनाई। दूसरी चीज हमने की हम मटेरियल्स खरीदने लगे,
तो पहले पत्थर के रंग यूज किए जाते थे, पिछवाई में पीला रंग लाने के लिए गौमूत्र यूज किया जाता था, तो जो कि घर की लेडीज बनाती थी। कुछ प्रथा वापस नहीं ला सकते थे, पर कुछ एटलीस्ट हम स्टोन कलर्स वापस खरीद सकते थे, वो बहुत कम जगह मिल रहे थे। जो पेपर की पिछवाई बनती थी वो वसली पे बनती थी, जो एक किसी गांव में मिलती है वसली। तो मैंने कुछ अपने फंड्स लगाए, अपने लोग लगाए कि हम एटलीस्ट पहली चीज हम चालू करें मटीरियल से। जिस कपड़े पे पिछवाई बनती थी पहले कॉटन और सिल्क मिक्स होता था, कुछ मिल से आती थी, अब जो बनने लगी पतले पतले कॉटन पे। इन छोटी छोटी चीजों से मुझे ये संभव होने लगा कि इसीलिए क्वालिटी चेंज हो गई है। तो मैंने पुरानी आर्टिस्ट से बात करके, जो ट्रेडर्स थे उनसे बात करके, मैं सवाल पूछ पूछ के ये सीखा कि बदलाव किस किस में आया है। तो मैंने दो तरफ से काम किया, एक तरफ से मैंने आर्टिस्ट चुने, अच्छी कला के आर्टिस्ट लाए, मटेरियल्स पे काम किया, एक जो जो आर्ट है उस पर काम किया कि सही आर्ट बने। दूसरी तरफ मैंने जिस तरीके से इस आर्ट को प्रेजेंट किया, ये नहीं कि ये टूरिस्ट शॉप में बिक रहा है या एक बंडल में बिक रहा है, मैंने इसको एक एक दर्जा दिया और इसको मेन स्ट्रीम में ले आया कंटेम्प्रेरी आर्ट के साथ। उसके बाद सारा चेंज आने लगा और फिर हमने बहुत बड़ा शो मुंबई में किया जहाँ पे 400 पीस थे, और फिर उस सेल से हमारे पास पैसा आने लगा। जो भी इसमें हमारा पैसा बनता है हम उसको वापस आर्टिस्ट की तरफ ले जाते हैं कि हम आर्ट फॉर्म में और काम करें। भारत की कई और कलाओं की तरह पिछवाई में भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कई लोग इसके डिजिटल प्रिंट्स बना के बेच देते हैं, या कम क्वालिटी की पिछवाई भी मार्केट में मिल जाती है जिससे असली कलाकारों की कला का मूल्य कम हो जाता है। पर कई प्रयासों की वजह से पिछवाई कला में काफी तरक्की हुई है। पिछवाई के पारंपरिक रूप को आधुनिक और समय के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए इसमें नए विषयों और समकालीन डिजाइनों को जोड़ा जा रहा है। श्रीनाथ जी को समर्पित चित्रकला के साथ साथ आजकल ऐसी पिछवाई भी देखने को मिलती है जिसमें सिर्फ एक रूपांकन को महत्व दिया गया है, जैसे कमल की ये पिछवाई। नए रंगों के साथ भी काफी काम किया जा रहा है। So, पिछवाई ज्यादातर बहुत रंग बिरंगी होती है, तो मैंने अपने आर्टिस्ट को कहा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स का जैसे सोचिए, अगर आप एक पिछवाई को देखेंगे और आप एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा से खींचेंगे तो आप वैसी पिछवाई पेंट करिए। ये मैंने इसलिए किया जिससे कि कई लोग आजकल रंग बिरंगा, उनके घर बहुत मिनिमलिज्म काफी बड़ा फैशन बन चुका है, तो उसमें ट्रेडिशनल आर्ट के लिए जगह नहीं होती है। तो मैंने कई फॉर्म्स निकाले इस आर्ट फॉर्म के। कोची में हमने स्केचेस दिखाए, मैंने आपको बताया था कि चित्रकार एक स्केच बनाते थे और उससे वो पेंटिंग बनाते थे, हमने उस स्केच को फ्रेम करके आर्ट फॉर्म जैसे बनाया और उसका बहुत बड़ा सक्सेस हुआ। जो डेक्कन स्टाइल पिछवाई है वो तो पुरानी है, हमारे पास बहुत बढ़िया कलेक्शन है पुरानी डेक्कन पिछवाई का। कुछ आर्टिस्ट, इसमें दो कहानियां हैं, देखिए एक कहानी है कि कुछ आर्टिस्ट डेक्कन की तरफ गए, वहां से कला लेके आए। डेक्कन में श्रीनाथ जी के आइडल का कोई दर्जा नहीं है, पर जब वो डेक्कन की कला, जो गोल्ड और सिल्वर फॉइलिंग की टेक्निक सीख के वापस आए, तब उन्होंने नाथद्वारा आर्ट के साथ मर्ज करके श्रीनाथ जी को रंग में बनाया और जो पेड़ पौधे और बाकी जो डिजाइन है पीछे उसको गोल्डन सिल्वर फॉइल में बनाया। हमने ये देखा कि ये जो डेक्कन की जो लुक है, जब 40 साल आप सिल्वर और गोल्ड को बना के रखोगे तो एक एंटीक लुक आती है जो कि जिसको आप नए में एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। साथ के साथ क्या होने लगा कि जो लोग मेरा एटेलिये चलाते थे उन्होंने मुझे बोला कि देखिए कुछ मिनिएचर आर्टिस्ट भी हमारे पास आए हैं, उनके पास काम नहीं है, आप काम दे सकती हैं क्या? तो मैंने उनसे कहा कि जो आप हमारी 6 फुट बाय 8 फुट की पिछवाई है आप उसको मिनिएचर में बनाइए, क्योंकि उनके पास ये कला थी, वो महीन काम करना जानते हैं, तो वो 12 इंच से 16 इंच में वो पिछवाई को ले आए जो नाथद्वारा आर्टिस्ट 6 से 8 फीट में बनाते। एक एक पिछवाई की बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बहुत पॉपुलर कहूंगी कंपोजिशन है जो कि हवेली का मैप है। तो हवेली का मैप, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुझे कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं कि किस आर्टिस्ट ने बनाई, मेरे ख्याल से ये 300-400 साल से चला आ रहा है। अगर आप उस मैप को देखेंगे तो उसमें कुछ तो 2D है, कुछ 3D है, इट्स लाइक एक आर्किटेक्चर पीस की तरह है वह। तो इस टेम्पल मैप में मैंने सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन निकाला
और दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने आपको पहले कहा, जितने कस्टमर होंगे उतना ये आर्ट फॉर्म बढ़ोतरी पाएगा, नहीं तो ये मरता चला जाएगा। तो मैंने दो तरीके की पिचकारी करी, एक तो जिसमें श्रीनाथ जी का फोकस है और एक दूसरा जिसमें श्रीनाथ जी नहीं है पर जैसे अब लोटस पिचकारी थी तो सिर्फ हमने उसमें लोटस इसका फॉर्म लेके उसके कई सारे वर्जन्स बनाए। उसमें हमने रंग बदलाव लाने लगा कि पहले रंग होते थे इंडियन कलर्स जिसको बोलते हैं, रस्ट, मरून, पिस्ता ग्रीन, तो फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ बैठ के हम उसमें पेस्टल शेड्स लाने लगे। तो जब जैसे ही वो बदलाव लाया तो एक पिचकारी की और भी इंटरनेशनल मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लुक आने लगी। इस आर्ट फॉर्म में इतना कुछ है कि आप करते ही चले जा सकते हैं। तो जब मैंने काम चालू किया, एक मेरा पैशन था कि पिचकारी उदयपुर से बाहर निकले, अपनी पुरानी ग्लोरी वापस लाए और ऐसे क्वालिटी में आ जाए कि लोग इसको कंटेम्प्रेरी आर्ट जितना महत्वपूर्ण समझने लगे और उसको खरीदने की चाव रखें। आज जो मैं देखती हूँ हम उस जगह पे तो पहुंच गए हैं और आज मुझे ऐसा लगता है कि पिछवाई का मार्केट बहुत ही हाई पे है। कलाकार खुद भी पिछवाई और इसके उद्धार में आज काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, जैसे सुशील जी जिन्होंने न सिर्फ अपने काम से इस कला को आगे बढ़ाया बल्कि वो छात्रों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं। आजकल नई जनरेशन का भी इसमें इंटरेस्ट अच्छा है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। फिगर वर्क है और लोटसेस वगैरह हैं, ग्रीनरी है, ये सब बच्चों को और आजकल की नई जनरेशन को भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है और इसके इसको आप बहुत अलग तरीके से भी आप नई नई चीज़ें इसमें डेवलप कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पुरानी ट्रेडिशन पिछवाई पेंटिंग ही करें, तो वो उनके मोटिव्स को यूज़ कर रहे हैं और मॉडर्न कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। आजकल कुछ बच्चे मेरे पास भी आ रहे हैं जो पिछवाई पेंटिंग सीख रहे हैं पूरी लगन और मेहनत के साथ में, और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो इस कला को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं। मैं सुशील जी सोनी से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पिछवाई पेंटिंग सीख रहा हूँ और सर के सानिध्य में रहकर मैं पिछवाई पेंटिंग को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं इसी शैली में आगे और काम करना चाहता हूँ, इस शैली को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम हर्ष सुशील सोनी है, मेरे पापा का नाम श्री सुशील जी सोनी है, यह हमारा पुश्तैनी काम है और मैं चाहता हूँ कि मेरा भी इंटरेस्ट इसमें और ज़्यादा डेवलप हो, तो जो जिससे मेरे पापा जो रोज़ ये वर्क करते हैं तो मैं इनको रोज़ देखता हूँ और इनको देखते देखते मेरा भी इंटरेस्ट इसमें धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और मैं भी मेरे पापा की तरह बड़ा होकर एक पिछवाई पेंटिंग आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। श्रीनाथ जी के प्रति आस्था और भक्ति के प्रतीक के रूप में पिछवाई चित्रकला की पूजा की जाती रही है। अब ये शानदार चित्रकला वर्षों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए रचनात्मकता, कला और कौशल के प्रतीक के रूप में एक उज्जवल भविष्य देख रही है।